हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की सेकंड क्लास तक पहुंच चुके हैं। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर एक फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं और फिर हम सेव एज ऑप्शन का कैसे यूज करते हैं। तो ये सब कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट की, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम लोग सीखने वाले हैं फाइल टैब में। फाइल टैब के अंदर हम लोग प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, सेव करना, फिर जो हम लोग भी प्रेजेंटेशन रिसेंट जो प्रेजेंटेशन होगा उसे सेव करने के बाद उसे ओपन करना और फिर सेव एज ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने जो पीपीटी होगा, हमारा जो स्लाइड होगा, हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा उसे दूसरे दूसरे फॉर्मेट में हम लोग सेव करना सीखेंगे। तो चलिए हम बिना देरी के अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा डेस्कटॉप के ऊपर होने वाला है, तो चलिए हम डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं। तो ये अभी हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं अपने डेस्कटॉप को पहले थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब मैं स्टार्ट करूँगा अपने पावर पॉइंट को। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ स्टार्ट मेन्यू पे आएंगे और हम नीचे स्क्रॉल करके पावर पॉइंट को सर्च करेंगे और यहाँ पे जब पावर पॉइंट हमें मिलता है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे इस सर्च में आने के बाद मैं यहाँ पे पावर पॉइंट को लिख कर सर्च करने वाला हूँ और यहाँ पे मुझे पावर पॉइंट का ऑप्शन दिख रहा है और मैं इस पर क्लिक करके अपने पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लिया। अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पे कुछ थीम्स मिल रहे हैं आपको, जिस थीम का आप यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज कर सकते हो, अपने नीड्स के अनुसार आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑलरेडी यहाँ पे थीम बनाए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, सारा कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट का है इसमें। आप चाहते हो तो आप इन थीम का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप कुछ ऐसा आपको एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए कोई थीम सर्च करना चाहते हो तो आप एजुकेशन से रिलेटेड सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड थीम्स को यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसमें ऐसा कोई थीम आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे बर्थडे का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे बर्थडे एक बार लिख के देख लेता हूँ और मैं बर्थडे से रिलेटेड यहाँ पे थीम को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे बर्थडे से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे थीम्स देखने को मिल रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप थीम को सर्च कर रहे हो तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। मैं बैक कर लेता हूँ, इस वक्त मैं इन प्री मेड थीम का यूज़ नहीं करूँगा। अभी मैं यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुल के आ चुका है। यहाँ पे मैं अपने टाइटल को ऐड कर सकता हूँ और अगर मेरे पास कोई सब टाइटल है तो मैं यहाँ पे सब टाइटल को भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बहुत सारे टी आपको फाइल दिख रहे हैं, ये सारे टैब हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। यहाँ पे इस वक्त मैं बात आज करने वाला हूँ फाइल टैब की। तो हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर चुके हैं। अगर मैं चाहता हूँ इस प्रेजेंटेशन को क्लोज कर दूँ तो मैं यहाँ पे इस क्लोज का यूज़ करूँगा और हमारा प्रेजेंटेशन जो अभी मैंने ब्लैंक सेलेक्ट किया था वो बंद हो चुका है। मैं नए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन का यूज़ कर सकता हूँ। कंट्रोल प्लस एन हमारा एक शॉर्टकट होता है जिसकी मदद से हम एक नए प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकता हूँ और नहीं तो मैं यहाँ फाइल टाइप में आने के बाद यहाँ पे न्यू के पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक फिर से एक नया प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसमें चाहूँ तो मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक टाइटल को ऐड कर देता हूँ। मैं टाइटल दे देता हूँ JR गुरुकुल और यहाँ पे हमारा जो सब टाइटल है मैं उसे दे देता हूँ। एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, मैंने यहाँ पे अपना टाइटल लिख दिया और यहाँ पे मैंने अपना सब टाइटल भी लिख दिया। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कर सकता हूँ और नहीं तो मैं यहाँ पे सेव पे आकर इसे सेव कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव में आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मुझे फाइल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन सारे फाइल्स में मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने अभी क्रिएट किया है, यहाँ प्रेजेंटेशन 2 आपको दिख रहा होगा नाम, आप उसे सेव कर सकते हो। यहाँ पे ही आप वन ड्राइव के ऊपर आप सेव करना चाहते हो तो आप वन ड्राइव के ऊपर सेव कर सकते हो। वन ड्राइव के उससे क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज है जिसमें आप सेव करके अपने
फाइल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो। फिर आप इस पीसी पे अगर सेव करना चाहते हो तो आप अपने इन फोल्डर्स में कहीं भी आप इसे सेव कर सकते हो। बेसिकली आप अगर डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो तो आप इस पीसी का यूज़ कर सकते हो। ऐड अ प्लेस, अगर आपको ऐसा प्लेस जहाँ ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं आप वन ड्राइव फॉर बिजनेस और वन ड्राइव, आप इन सारे प्लेस पे भी इसे सेव कर सकते हो। और आखिर में आपको मिलता है ब्राउज का ऑप्शन, आप एक ऐसे डेस्टिनेशन पे सेव करना चाहते हो जो आप ऑप्शन आपको यहाँ पे दिस पीसी में ना मिल रहा हो, तो आप ब्राउज का यूज़ कर सकते हो और अपने उस फाइल को यहाँ पे आसानी से सर्च कर सकते हो जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ इस वक्त यहाँ मैं DCA कोर्स के अंदर आकर मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए JI गुरुकुल मुझे लिखा हुआ है, मैं इसे यहाँ पे JI गुरुकुल के नाम से सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और हमारा ये फाइल हो गया सेव। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन 2 लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे jigurukul.pptx लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो और आप उसे सेव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आप इस प्रेजेंटेशन को अगर किसी तरह के मॉडिफिकेशन कर देते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ और अब मैं अगर इसे बंद करता हूँ, बंद करने के लिए मैं Ctrl+W का यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लोज का यूज़ कर सकता हूँ, तो इस केस में हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। तो चलिए मूवी करके देख लेते हैं, या तो मैं अभी Ctrl+W का यूज़ करके इसे बंद करूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लोज पे आकर इसे मैं बंद करूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे एक पॉपअप आ रहा है, यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपने जो भी सेव चेंज किए हैं उसे आप सेव करना चाहते हो या नहीं। तो यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन है सेव का, अगर मैं जो अभी चेंजेस किया उसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं ये जो अभी मैंने डॉट दिया इसे नहीं सेव करना चाहता हूँ तो मैं डोंट सेव, और अगर मैं भी और भी कोई मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो इस वक्त मैं इसे सेव नहीं करना चाहता तो मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ और हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो बंद हो चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसी प्रेजेंटेशन को मैं फिर से स्टार्ट करूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं मिनिमाइज करूँगा, मैं अपने फाइल के अंदर जाऊँगा, डॉक्यूमेंट के अंदर जाऊँगा और फिर उन डॉक्यूमेंट में मैं ढूंढूंगा कि कहाँ पे मेरा मैंने जो भी फाइल सेव किया वो कहाँ है, उसके बाद मैं फिर उसे एक्सेस करूँगा। इतना करने से अच्छा मैं यहाँ फाइल में आऊँगा और यहाँ पे ओपन के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मैंने जो अभी रिसेंटली जो मैंने अभी फाइल को सेव किया है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपने इस फाइल को बड़ी आसानी से यहाँ पे खोल सकता हूँ। मैं वापस Ctrl+W कर रहा हूँ और अगर मान लीजिए कि आप कोई एक ऐसे फाइल को ओपन करना चाहते हो जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, तो आप ब्राउज कर लो। ब्राउज करके आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जाके किसी भी PPT फाइल को आराम से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ मुझे PowerPoint 8 यहाँ पे शो कर रहा है, मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मैंने बहुत पहले PowerPoint 8 बनाए थे। तो ये सारे मैं यहाँ पे आपको आसानी से स्टार्ट करके दिखला सकता हूँ। तो इस तरह से आप ओपन का यूज़ करते हो और अपने जो भी रिसेंटली आपने सेव किया था अपने PPT को आप उसे बड़ी आसानी से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको नीचे लाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दो दो PPT खोल चुका है। मैं इसे बंद करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे Ctrl+W पे आऊँ और ये मेरा आसानी से बंद हो गया। अब ये रही इसकी बात, तो मैं अब इसे भी मैं चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। लेकिन अब हम बात करेंगे सेव एज की, हम सेव एज का यूज़ क्यों करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो अपने एक PPT को स्टार्ट कर लेते हैं और अब हम इस PPT को हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ये PPT में सेव हो, हम चाहते हैं कि ये इसका या तो नाम बदल जाए या फिर इसमें हम कुछ इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर दें या फिर हम इसके कुछ और भी इसमें मॉडिफिकेशन करें। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेव एज के ऊपर आएंगे और अगर हम वापस DCA कोर्स को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे वापस सेम से वही PPTX शो कर रहा है। मैं यहाँ पे इसे चेंज कर सकता हूँ PDF में, मैं अपने आज की इस फाइल जो मैंने अभी आपके सामने बनाया उसे मैं PDF में सेव कर सकता हूँ। यहाँ पे JPG और PNG है तो मैं इन फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकता हूँ। JPG और PNG क्या होता है, JPG बेसिकली हमारा इमेज और PNG भी हमारे इमेज के एक्सटेंशंस हैं। PDF हम सब जानते हैं PDF क्या होता है। तो इस तरह से हम अपने इस PPT को किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं PDF में सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे jigurukul.pdf के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनने वाला है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और हमने इस वक्त सेव एज ऑप्शन का यूज़ किया। अब मैं आपको उस PDF को स्टार्ट करके दिखलाता हूँ। इसके लिए मैं वापस अपने फाइल में आऊँगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक रिसेंट फाइल में मुझे
ज्या गुरुकुल यहाँ पे सोन कर। तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के बाद मैं डीसीए कोर्स में आता हूँ। डीसीए कोर्स में आने के बाद यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे jigurukul.pdf नाम का एक फाइल देखने को मिल रहा है। मैं इस पीडीएफ को क्लिक करके स्टार्ट कर लेता हूँ, और हमारा जो ये पीडीएफ है वो हमारे ब्राउजर, डिफॉल्ट ब्राउजर जो हमने बना रखा है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अभी जो मैंने स्लाइड बनाया था वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, मैं इसे जूम करना चाहूँ तो मैं इसे जूम कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से एक पीडीएफ को भी बहुत आसानी से पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। मैं इसे बंद कर देता हूँ, और मैं इसे भी इस वक्त बंद कर देता हूँ। मैं वापस अपने पीपीटी में आता हूँ, अपने पावर पॉइंट में आता हूँ, और मैं इसे भी अब यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस वक्त मैंने आपको पीपीटी क्रिएट करना, सेव करना, ओपन करना, और मैंने सेव एज की मदद से उसे दूसरे दूसरे फॉर्मेट में सेव करना भी मैंने आपको सिखला दिया। तो चलिए हम वापस अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने फाइल टाइप के अंदर प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन को सेव करना, और रिसेंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना, और जो हम लोगों ने सेव एज ऑप्शंस की मदद से डिफरेंट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन को सेव करना सीखा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में हम लोग अपने इस कोर्स को एक कदम और आगे लेकर बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले क्लासेस आपसे मिस ना हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।